आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पनीर, जिसके लिए मैंने लिया 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार करें। घोल तैयार हो गया। मैंने लिया 250 ग्राम पनीर, कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हरी मिर्च, 3 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ शिमला मिर्च। अब इस घोल में पनीर डाल के मिला लेंगे। तेल गरम हो गई है, इसमें एक एक पनीर डालेंगे और इसे धीमी आंच पर तल लेंगे। दूसरी तरफ आग पे मैंने टमाटर पकने के लिए रख दिया। टमाटर पक के तैयार है, पनीर भी तल गई है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे और टमाटर ठंडा हो जाए तो इसकी प्यूरी निकाल लेंगे। मैंने प्यूरी निकाल लिया, बीज अलग हो गई है, प्यूरी अलग हो गई। बची हुई तेल में हरी मिर्च तल के निकाल लेंगे। अब इसमें कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन थोड़ा सा भूख जाए, कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटर सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 1/4 मिला लेंगे। इसमें प्यूरी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा लाल रंग डालेंगे खाने वाली। इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। जब ये तेल छोड़ दें, इसमें पनीर डालेंगे। इसे अच्छी तरह पका लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। जब ये थोड़ा पक जाए,
कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे और घोल तैयार करेंगे। इस घोल को चिली पनीर में डालें जिससे यह ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, और इसे पानी सूखने तक पका लें। अब इसमें तली हुई हरी मिर्च मिला लेंगे। और ये बनके चिल्ली पनीर तैयार है। आप इसी तरह चिली चिकन भी बना सकते हैं।